चलिए मेरे साथ इफ्तार की तैयारी करते हैं। दोपहर से ही इफ्तार की तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि इफ्तार के साथ साथ हम डिनर भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे आज डिनर में बन रहा है चिकन, तो मैंने मम्मा से कह दिया कि चिकन तो मैं ही बनाऊंगी। एकदम सिंपल रेसिपी है, सिर्फ सरसों के तेल में कुछ खड़े मसाले डालकर उसमें प्याज डालकर भूनना है एंड देन मसाले डाल देना है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, ये सब डालकर बस भूनना है, दैट्स इट। अब बारी है पकौड़े तलने की, क्योंकि ये ड्यूटी हमेशा से ही मेरा होता है। मम्मा और दीदी मिलकर फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, फिर जो छोले बनते हैं हमारे घर में वो सब की तैयारी करते हैं और पकोड़े के लिए जो भी आलू प्याज चाहिए वो भी चॉप करके मुझे दे देते हैं। ये है आलू के पकोड़े जो एकदम फुला हुआ बना है आज, एकदम बताशे की तरह बहुत ही ज्यादा यमी बना है। इफ्तार के बाद हम लोग बाहर निकले घूमने और बहुत सारा शॉपिंग भी किया। अगर आप हमारा शॉपिंग देखना चाहते हैं तो मैं एक लॉन्ग वीडियो में शेयर करूंगी। और आज मम्मा ने इन ग्लासेस का सेट खरीदा है जो कि देखने में बहुत